हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अमित सैनी। स्वागत है आपका साड्डा फूड अड्डा में, जहाँ मैं आप लोगों के लिए टेस्टी रेसिपीज़ लेकर आता रहता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मैक्रोनी, जिसको बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और एक बड़ा सा बर्तन गैस पर चढ़ा देंगे। उसमें हम डालेंगे 1.5 से 2 लीटर पानी, जिसमें हम मैक्रोनी को बॉईल करेंगे। और पानी डालने के बाद हम एक प्लेट लेंगे और एक प्लेट से इसको बर्तन को ढक देंगे और पानी में हम एक उबाल आने देंगे। प्लेट से हम इसलिए ढक रहे हैं क्योंकि इससे गैस भी हमारी कम यूज़ होगी, ज़्यादा खर्च नहीं होगी गैस हमारी। देखिए, पानी में एक उबाल आ गया है। ये मैंने मैक्रोनी ली है 250 ग्राम, इनको मैंने धो लिया था अच्छे से। अब मैं इनको इसमें डाल दूंगा पानी में, और इनको डालने के बाद मैं इसमें डालूंगा 1 चम्मच नमक, और ये मैं डाल रहा हूँ इसमें 2 चम्मच तेल। तेल हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि तेल डालने से जब ये हमारी उबल जाएंगी तो उबलने के टाइम पे ये हमारी स्टिकी नहीं होंगी, आपस में चिपकेंगी नहीं, खिली खिली रहेंगी, इसलिए हम इसमें तेल डालते हैं। अब इनको हम उबाल लेंगे अच्छे से। देखिए, मैक्रोनी हमारी उबल रही है। आइए इनको एक बार हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम इनको एक झरने में निकालेंगे और हाथ से तोड़ करके देख लेंगे। देखिए, मैक्रोनी बिल्कुल उबल करके रेडी हैं, बॉयल हो गई हैं अच्छे से। अब इनको एक हम झरनी लेंगे और एक बड़े से बर्तन में इनका सारा पानी निचोड़ करके अच्छे से निकाल लेंगे। बर्तन में निकालने के बाद हम एक चम्मच लेंगे और चम्मच लेकर के इनको अच्छे से चला देंगे, जिससे कि आपस में स्टिकी ना हो, आपस में ना चिपके। अब हम इनको ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हमें गैस ऑन करना है और गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। उसके बाद हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और कढ़ाई चढ़ा करके उसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये लिए हैं मैंने 2 हरी मिर्च, इनको लंबा काट लिया था, वो भी डाल देंगे और अच्छे से इनको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए, प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब ये मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको छोटा छोटा चॉप कर लिया था, उसको भी डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से चला देंगे। अब ये लिया है मैंने नमक, नमक डालेंगे हम इसमें स्वाद के अनुसार। याद रखें कि नमक हमने जब मैक्रोनी को बॉईल किया था तब भी डाला था, और नमक डाल करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। आइए अब मसाले डालना शुरू करते हैं, और मसाले डालने से पहले हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, जिससे जब हम मसालों को भूनेंगे तो हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। अब ये लिया है मैंने धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डाल रहा हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर। और ये मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 2 पिंच डाल रहा हूँ मैं इसमें हल्दी पाउडर। और ये लिया है मैंने गरम मसाला, 1/2 चम्मच डाल रहा हूँ मैं इसमें गरम मसाला। मसाले डालने के बाद हम इनको टमाटर प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब ये लिया है हमने पास्ता मसाला, 1.5 चम्मच डाल रहा हूँ मैं इसमें पास्ता मसाला। मसाला डाल करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 सेकंड के लिए भूनना है हमें, और 10 से 15 सेकंड भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप। ये 2 चम्मच मैं इसमें टमाटो केचप डाल रहा हूँ। टमाटो केचप डालने से मैक्रोनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। लीजिए, मसाला हमारा बन करके बिल्कुल रेडी है मैक्रोनी के लिए, एकदम परफेक्ट मसाला बना है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में ही। अब हमने जो मैक्रोनी साइड में रखी हुई थी वो ठंडी भी हो गई है, आइए अब उनको इस मसाले में डाल देते हैं। देखिए, ठंडी होने के बाद भी मैक्रोनी बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुई है। अब मैक्रोनी डालने के बाद हम इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। लीजिए, मैक्रोनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है मसाले के साथ। टेस्टी मैक्रोनी की रेसिपी बन करके बिल्कुल रेडी है। आप इसको सर्व कर सकते हैं, आप इसको गर्मा गर्म ही सर्व करें। आइए, सर्व करने के लिए हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसको इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी और टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। मैक्रोनी की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।